बैक टू माई चैनल, दिस इज मी योर एजुकेटर। तो आज हम पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए सी अर्चिन के अंदर जो क्लीवेज पैटर्न है उसको देखने वाले हैं, उसमें जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे हम उन सबको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सी अर्चिन है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये ड्यूट्रोसोम से बिलोंग करता है। दूसरा, इनमें रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। तो अब ये क्लीवेज भी काफ़ी टाइप की होती है, बट इसको याद रखने के लिए मैंने एक एनालॉजी बनाई थी कि जैसे ये ह्यूमन है, ह्यूमन लाइफ टाइम अपनी ज़रूरतों के चारों ओर घूमता रहता है। तो देखिए, होलो ह्यूमन और रेडियल यानी कि घूमता रहता है, राउंड चक्कर लगाता रहता है। तो उससे मैंने याद की थी, आई होप आपको भी इससे हेल्प हो। रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। अब देखिए, इसमें जो गेस्टुलेशन होता है उसके बाद जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो एनस होता है। मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें माउथ की फॉर्मेशन होती है, बट इसमें एनस का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लीवेज बता देती हूँ होती क्या है। एक होती है इक्विटोरियल क्लीवेज और एक होती है मेरीडोनल क्लीवेज। जो इक्विटोरियल क्लीवेज होती है वो तो ऐसे, जैसे कोई चीज़ है उसको ऐसे काटते हैं हम, मतलब ऐसे हाफ में डिवाइड करते हैं, तो वो तो होती है इक्विटोरियल क्लीवेज, क्योंकि उसको इक्वेटर के हिसाब से काटा जाता है। और एक को बीच में से कट करते हैं ऐसे ऊपर की साइड से, तो वो होती है मेरीडोनल क्लीवेज। तो इसकी जो क्लीवेज है उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे जिसकी वजह से ये पैटर्न ऑब्टेन हुआ था। सबसे पहले ये जो ऊपर वाली साइड होती है किसी भी उसकी, उसको हम एनिमल पोल बोलते हैं, और नीचे वाली जो साइड होती है पोस्टीरियर वाली उसको हम वेजिटल पोल बोलते हैं सेल की को। तो सबसे पहले जो थी इसमें मेरीडोनल क्लीवेज हुई क्योंकि ऊपर से काटा। सेकंड क्लीवेज जो थी वो भी मेरीडोनल क्लीवेज थी, लेकिन जो थर्ड क्लीवेज थी वो इक्विटोरियल थी। फर्स्ट मेरीडोनल, सेकंड मेरीडोनल, थर्ड जो थी वो इक्विटोरियल क्लीवेज थी, ऐसे बीच में से काटा गया था। तो जब फर्स्ट क्लीवेज की तो फिर एक सेल को ऐसे बीच में से काटा तो टू सेल स्टेज आई, फिर उसके बाद ऐसे काटेंगे तो जो फोर सेल स्टेज आई, उसके बाद जो एट सेल स्टेज थी उसमें ऊपर की साइड तो मेरीडोनल क्लीवेज की थी और नीचे की साइड इक्विटोरियल क्लीवेज की थी, जिसकी वजह से हमें 16 सेल ऑब्टेन हुए। उन 16 सेल में जो ऊपर के 8 सेल थे उनको तो मीजोमियर नाम दिया गया, और नीचे के जो 8 सेल थे उनको चार चार में डिवाइड करके मैक्रोमियर, और उसके नीचे जो सबसे छोटे थे उनको माइक्रोमियर में नाम दिया गया। तो इसमें क्या किया था, चार क्लीवेज की थी, सबसे पहले मेरीडोनल, मेरीडोनल इक्विटोरियल, उसके बाद ऊपर वाली मेरीडोनल और नीचे वाली इक्विटोरियल, जिससे हमें 16 सेल स्टेज जो थी वो मिली, और उसमें ऊपर के जो 8 थे वो मीजोमियर थे, नीचे के जो 8 थे वो चार चार में डिवाइडेड थे मैक्रोमियर और माइक्रोमियर। इसके बाद ये बताया गया है कि जो फोर्थ क्लीवेज थी वो अलग थी बाकी क्लीवेज से, क्योंकि फोर्थ क्लीवेज जो होती है उसके अंदर हमने जो ऊपर वाले जो सेल्स थे, चार सेल्स थे, उनको मेरीडोनली डिवाइड किया गया था, जिसकी वजह से हमें इक्वल मीजोमियर मिले थे, जिनका इक्वल शेप और वॉल्यूम सब कुछ इक्वल था। हालांकि जो नीचे वेजिटल वाले सेल्स थे, वेजिटल टायर यानी नीचे की साइड वाले वेजिटल पोल वाले सेल्स थे, उनको हमने अनइक्वल क्लीवेज की थी, वहाँ पे हमने अनइक्वल क्लीवेज की थी, जिसकी वजह से हमें चार बड़े मैक्रोमियर और चार छोटे माइक्रोमियर मिले थे। अब इसके बाद हमने एक और क्लीवेज की, फिफ्थ क्लीवेज की, जिसमें हमने बिल्कुल पहले वाले का बिल्कुल अपोजिट कर दिया। पहले ऊपर हमने मेरीडोनल क्लीवेज की थी, नीचे इक्विटोरियल क्लीवेज की थी, तो इसमें हमने ऊपर उल्टा करके ऊपर इक्विटोरियल क्लीवेज कर दी और नीचे मेरीडोनल क्लीवेज कर दी, जिसकी वजह से जो ऊपर वाले सेल्स थे वो एनिमल पोल के सेल्स भी डिवाइड हो गए थे, और मैक्रोमियर और माइक्रोमियर के सेल्स भी फर्दर डिवीजन उनमें हुआ था। तो एनिमल पोल के सेल्स थे उनको हमने नाम दिया AN1 और AN2, जबकि जो मैक्रोमियर के जो सेल्स थे उनको वेज 1 वेज 2 नाम दिया, और माइक्रोमियर के जो सेल्स थे वो लार्ज और स्मॉल। जो ऊपर के जो सेल्स थे मीजोमियर के, उनका काम था वो एक्टोडर्म को बनाने में हेल्प कर रहे थे। वेज 1 जो था वो ओरल एक्टोडर्म और हाइंडगट की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था, वेज 2 जो था वो मिडगट, फोरगट और नॉन स्केलेटोजेनिक सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था। माइक्रोमियर के जो लार्ज वाले सेल्स थे वो स्केलेटोजेनिक सेल्स को बनाने में हेल्प कर रहे थे, और जो स्मॉल वाले सेल्स थे वो जर्म सेल्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे।
तो इसको याद करिए, हमेशा ऐसे याद कीजिएगा, सबसे ऊपर वाले जो इक्विटोरियल क्लीवेज करके जो ऊपर के एनिमल पोल के सेल्स आए थे उनका तो काम था एक्टोडर्म बनाना। वेज वन और वेज टू में आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाले का काम है ओरल एक्टोडर्म और हाइंडगट बनाना, मैंने ऐसे याद किया हुआ है। ओ नीचे मिडगट, फोरगट और नॉन स्केलेटोजेनिक, ऊपर वाले को तो मैंने ओ से याद किया हुआ है, इसको भी आप कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हो, अगर मुझे कोई ट्रिक बनी तो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी। उसके बाद जो लार्ज थे उनका काम स्केलेटोजेनिक बनाना था और स्मॉल वाले जर्म सेल बना रहे थे। उसके बाद इनको 6th और 7th टाइम भी फर्दर डिवाइड किया गया, जब तक ये 128 सेल स्टेज तक डिवाइड नहीं हो गए, उस स्टेज पे नहीं पहुँचे, तब तक इनको कंटिन्यू डिवाइड किया गया और लास्ट में इन्होंने एक कैविटी बना ली 128 सेल की स्टेज पे पहुँच के, उसको ब्लास्टोसील कहा गया। लेकिन हर बार क्या हुआ, जैसे इससे हमने 5th क्लीवेज में देखा था कि जो ऊपर जो था वो इक्विटोरियल था, नीचे मेरीडोनल क्लीवेज लगाया, लेकिन 6th क्लीवेज में इसको अपोजिट कर देंगे, ऊपर इक्विटोरियल की जगह मेरीडोनल और नीचे मेरीडोनल की जगह इक्विटोरियल, 7th में फिर उसको रिवर्स कर देंगे। तो बस आपसे इसी स्टेज तक का पूछा जाता है, 5th क्लीवेज तक का ही पूछा जाता है, उसके आगे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसके आगे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं किए गए। अब सी अर्चिन के अंदर हम स्पेसिफिकेशन देखेंगे, इसमें दो टाइप की स्पेसिफिकेशन होती है, ऑटोनोमस और कंडीशनल। तो इनको प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट हमारे पास आए थे, सबसे फर्स्ट जो थे उनका नाम था ड्रीश और एक और थे उनका नाम वाइजमैन और राउस था, जिनके एक्सपेरिमेंट को वाइजमैन राउस एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम ड्रीश के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जो ड्रीश थे इन्होंने प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट दिया था और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट था, जो कि 1892 में कंडक्ट कराया था। एक चीज़ और, दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनकी वजह से उनको अलग अलग टाइप का स्पेसिफिकेशन मिला था। तो जो ड्रीश थे उन्होंने कंडीशनल स्पेसिफिकेशन दिया था और इन्होंने सी अर्चिन पे परफॉर्म किया था, जबकि जो राउक्स थे उन्होंने फ्रॉग के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, और दोनों ने अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट था, जिसमें आइसोलेट करके एक लार्वा को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जबकि जो ड्रीश का एक्सपेरिमेंट था उसको उन्होंने उसके एक पार्ट को किल करके कंडक्ट किया था, उसको डिस्ट्रॉयड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रीश के एक्सपेरिमेंट के बारे में। जो ड्रीश थे उन्होंने एक 4th सेल स्टेज जो था एम्ब्रियो था उसको लिया, एक 4th सेल स्टेज जो ब्लास्टोमियर था उसको लिया। तो पहले उन्होंने नोटिस किया जब वो चारों सेल साथ में थे तो वो एक नॉर्मल प्लूटस लार्वा की फॉर्मेशन कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इनके साइड से, इनके आसपास से जो फर्टिलाइजेशन एनवेलप है उनको रिमूव कर दिया और इन चारों को अलग अलग आइसोलेट किया, इन चारों को अलग अलग रखा। कुछ टाइम बाद उन्होंने नोट किया कि जो चारों जो आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर्स थे वो चारों ही नॉर्मल प्लूटस लार्वा की डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को शो करता है, क्योंकि अगर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ, ऑटोनोमस क्यों नहीं। अब देखिए ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन जो होती है उसमें क्या होता है, उस सेल को पता होता है कि उसको वही पार्ट बनाना है तो वो वही पार्ट की सिंथेसिस करता, बट यहाँ पे जो सेल्स थे उनको पता ही नहीं था उनको क्या बनाना है, तो उन्होंने पूरे पूरे प्यूटस लार्वा की जो थी फॉर्मेशन कर दी, इसी वजह से इसको हमने कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहा है। इसके अलावा इन्होंने एक प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट किया था, उस प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट को इंटीग्रेटेड रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें क्या किया इन्होंने, एक 8th सेल स्टेज में, मतलब जो सेल 8 उस पोजीशन में था कि वो उसमें 8th सेल स्टेज में था, उस सेल को उन्होंने लिया और एम्ब्रियो, उसका जो एम्ब्रियो था उसको दो प्लेट्स के बीच में रख के काफ़ी प्रेशर लगाया। तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था, व्हाट ही थॉट, मतलब उन्होंने ये सोचा था कि जो वेजिटल पोल की जो न्यूक्लियाई है वो एनिमल पोल की साइड चली गई होगी, तो उन्हें लगा कि इसकी वजह से जो एबनॉर्मल लार्वा है उसकी डेवलपमेंट होगी। बट जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो उन्हें बिल्कुल अपोजिट मिला, नॉर्मल लार्वा की ही डेवलपमेंट हुई थी। तो ये रेगुलेटिव डेवलपमेंट को ही शो करता है। ये कैसे करता है, क्योंकि अगर देखिए जो यहाँ के सेल्स थे, अगर वो इतने डिटरमाइंड होते
कि उनको पता होता कि उनको क्या चीज़ बनानी है, तो वो वहाँ जाके भी वही चीज़ का फॉर्मेशन करते, बट नहीं, सेल्स आपस में मिक्स हो गए, अपनी पोजीशन छोड़ के कहीं और एनिमल की साइड चले गए। उसके बाद भी उन्होंने कंप्लीट जो लार्वा था उसकी डेवलपमेंट कर दी एकदम नॉर्मल, मतलब सेल्स को पता नहीं था। तो ये भी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को शो करता है, उसी को हम रेगुलेटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। और इसमें ये जो इसमें हारमोनियस इक्विलिब्रियम शो होता है, इन दो पॉइंट्स को आप याद रखिए, ये 4 नंबर में भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, हारमोनियस इक्विलिब्रियम को शो करता है, और दूसरा इसमें पोटेंसी जो होती है फेट से ज़्यादा होती है। तो कंडीशनल जहाँ भी डेवलपमेंट होता है उसमें पोटेंसी हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि फेट तो डिसाइडेड, फेट तो उन्हें पता ही नहीं है ना। फेट पता होता तो वो अपना वही पार्ट जो है उसको बनाते, लेकिन वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। अब जो है हम वाइजमैन राउक्स के एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डिस्ट्रॉयड एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं, या डिस्ट्रक्शन एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने एक पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ये फ्रॉग पे कंडक्ट किया था। इन्होंने क्या किया, एक लार्वा लिया, सॉरी एम्ब्रियो लिया, उस एम्ब्रियो के बीच में लाइगेशर कर दिया, मतलब उसको बांध दिया, और बांधने के बाद जब उन्होंने एक साइड हॉट नीडल लगा दी, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद जब उन्होंने कुछ टाइम बाद नोटिस किया, उन्हें लगा कि किस तरीके का जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होगा, एम्ब्रियो किस तरीके की लार्वा में फॉर्मेशन करेगा, तो उन्होंने देखा कि जो डिस्ट्रॉयड पार्ट था वो तो बना ही नहीं, लेकिन जो हाफ पार्ट डेवलप हुआ वो वहाँ के जो सेल्स को जो चीज़ बनानी थी उन्होंने वही बनाया, पूरा जो लार्वा है वो नहीं बनाया। तो ये ऑटोनोमस डेवलपमेंट को शो करता है, क्योंकि देखिए क्या डिफरेंस है कंडीशनल और ऑटोनोमस में, कि जो हमने अभी पीछे पढ़ा था जो ड्रीश का एक्सपेरिमेंट था, उनमें उसमें क्या था, जब उन्होंने चारों पार्ट को अलग किया और अलग अलग रखा, तो उन्हें पता ही नहीं था उन्हें क्या बनना है, तो इसलिए उन्होंने नॉर्मल लार्वा की डेवलपमेंट कर दी। और यहाँ पे एक पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जो बाकी का हाफ पार्ट था उन्होंने सिर्फ वही चीज़ें बनाई जो उनके लिए डिटरमाइंड थे, जो उन्हें बनानी थी। तो ये जो है ये ऑटोनोमस डेवलपमेंट को शो करता है। मूविंग ऑन, अब एक और सेकेंडरी एक्सेस डेवलपमेंट किया गया था सी अर्चिन में। सेकेंडरी एक्सेस का डेवलपमेंट कैसा होता है ये हम देख लेते हैं। इसमें किया गया, इसमें क्या था, जो माइक्रोमीयर के सेल्स थे वो सेकेंडरी एक्सेस की फॉर्मेशन कर रहे थे, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें क्या था, देखिए ये एनिमल पोल के सेल्स है, ये वेजिटल पोल के सेल्स है। एनिमल पोल में हमें पता है मीजोमियर प्रेजेंट होते हैं, और जो वेजिटल पोल है उसमें मैक्रोमियर और माइक्रोमियर प्रेजेंट होते हैं। ये 16 सेल स्टेज है, तो यानी कि 8 मीजोमियर होंगे और 4-4 मैक्रोमियर और माइक्रोमियर होंगे। तो जब इन्होंने, साइंटिस्ट ने माइक्रोमियर के सेल्स को निकाल के एनिमल पोल में ट्रांसप्लांट किया, तो उन्होंने ये नोट किया कि सबसे पहले तो देखो जो माइक्रोमियर है वो इन्वेजिनेट करके उसने ब्लास्टोसील बना ली, जो कि कैविटी है जिसकी फॉर्मेशन होनी होती है। सबसे पहले उन्होंने माइक्रोमियर के जो सेल्स हैं उन्होंने वहाँ जाके ब्लास्टोसील बना दी। उसके अलावा जो आप बताइए कि खुद जो माइक्रोमियर होते हैं उनका हमने फेट पढ़ा था, वो स्केलेटोजेनिक सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमने माइक्रोमियर के बारे में पढ़ा है कि वो प्राइमरी मीजेनकाइम या स्केलेटोजेनिक सेल्स की सिंथेसिस करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो जब इनको ऊपर रखा गया एनिमल पोल के अंदर, तो इन्होंने जो स्केलेटोजेनिक मीजेनकाइम है, मीजेनकाइम सेल है, उनकी फॉर्मेशन कर दी। ट्रांसप्लांटेड जिनको हमने ट्रांसप्लांट किया था, उन्होंने जो स्केलेटोजेनिक मीजेनकाइम सेल्स है उनकी फॉर्मेशन कर दी। साथ ही साथ इन्होंने जो वहाँ पे एनिमल सेल्स थे, एनिमल पोल में जो कुछ सेल्स थे जो उनके साथ में प्रेजेंट थे, उनको वेजिटल प्लेट एंडोडर्म की फॉर्मेशन करने के लिए इंड्यूस किया, मतलब उनको भी वेजिटल प्लेट एंडोडर्म जो सेल्स थे उनकी फॉर्मेशन के लिए इंड्यूस किया, उनको बनाने के लिए सिग्नल दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये रिजल्ट मिला कि जो सेल्स थे, ट्रांसप्लांटेड मीजोमियर सेल्स थे, उन्होंने वहाँ पे ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन की, साथ के साथ जो स्केलेटोजेनिक रोड्स है वो बना दी, क्योंकि उनका काम जो था स्केलेटोजेनिक सेल्स बनाना था, वो उनका फेट था, वो वहाँ जाके उन्होंने शो किया, जो कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को शो करता है।
और ये ट्रांसप्लांटेड मीजोमियर से ही बनी थी, साथ के साथ वहाँ पे सेकेंडरी आर्केंट्रोन भी बनी, जो इन्होंने जिन देखिए जो ट्रांसप्लांट किए गए थे सेल्स, उन्होंने तो अपना काम किया और स्केलेटोजेनिक रोड्स की वहाँ पे फॉर्मेशन की। जैसा कि हमने पढ़ा था कि उन्होंने जो एनिमल पोल में सेल्स थे उनको भी इंड्यूस किया, क्या बनाने के लिए, सेकेंडरी आर्केंट्रोन बनाने के लिए, ठीक है। तो जो वहाँ पे एनिमल पोल में सेल्स थे उन्होंने सेकेंडरी आर्केंट्रोन की फॉर्मेशन कर दी। और ये देखा गया कि गैस्टुलेशन जो है वो नीचे वाले पार्ट में एकदम नॉर्मल हो रही है, नीचे वाले पार्ट में वो नॉर्मली डेवलप हो रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।